अगली मीटिंग कैसे चाहिए इसलिए जब अंतिम संस्कार होता है तो पंडित जी हमें वो छोटी छोटी लकड़ी देते हैं ना और कहाँ करते हैं लकड़ी को क्या करो तोड़ो तो वो लकड़ी को तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते हैं लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि अपने हिसाब किताब को क्या करना होता है ख़त्म करना होता है तो हिसाब किताब ख़त्म कैसे होगा हम तो और ही उलझ गए उस आत्मा के साथ जाने से पहले तो जैसे हर वर्ष एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है 31 मार्च क्या होता है एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है उस पूरे साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो ही बैलेंस शीट अगले दिन क्या बन जाती है वो बन जाती है एक अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट मैं आत्मा इस शरीर के अंदर जो प्रॉफिट जो लॉस किया सारा दिन हर रोज और जिस क्षण मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आत्मा जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश किया कुछ महीनों के अंदर बच्चा पैदा होता है और कुछ ही दिनों में उस बच्चे की जन्म बन जाती है वो है उस आत्मा की ओपनिंग बैलेंस शीट पहली अप्रैल की बैलेंस शीट है और पहले दिन ये पता चल जाता है कि 10 साल बाद ये होगा 15 साल बाद ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा ये सारा कुछ कैसे पता चला क्योंकि ये सारा कुछ आधार पर है कि वो आत्मा कौन से कर्म अपने साथ लेकर आई है तो जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य सिर्फ इस जीवन काल में नहीं होता मैं आत्मा वो कर्म लेकर दूसरे शरीर में जाती हूँ और मेरा अगला भाग्य भी मेरे वो ही कर्मों के आधार से चलता है तो किस आत्मा के लिए आप अपने कर्म और भाग्य को बिगाड़ने के लिए रेडी है बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी सामने वाला जो गलत कर रहा है वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है कोई भी हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता वो कुछ भी कर ले वो हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारा भाग्य उनके कर्मों से नहीं हमारा भाग्य किसके कर्मों से बनता है अपने कर्मों से बनता है तो किसी भी आत्मा के साथ कोई नेगेटिव गांठे बांध के नहीं रखने हैं जीना भी मुश्किल होगा जाना भी मुश्किल होगा और अगली बार जब मिलेंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा इस बार जिन जिन लोगों के साथ मुश्किल लग रहा है उनसे हम पहले मिल चुके हैं और पिछली बार हम कुछ ऐसा करके आए हैं करके आए नो प्रॉब्लम इस बार चेंज कर लेते हैं इस बार चेंज कर लेते हैं इसलिए इस बार वहाँ से कोई भी एनर्जी आए अगर हम अपनी तरफ से दुआएं भेजेंगे तो हमारी तरफ से जाने वाला कर्म क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा कर्म यस yes? चेंज हो जाएगा एक बॉल पकड़ो ऐसे एक गेंद पकड़िए अपने हाथ में एक मिनट पकड़ के रखो ऐसे पकड़ो ध्यान से दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे कैसे फेंकते हैं वो जैसे फेंकेंगे वो उनका भाग्य बनेगा ठीक है पकड़ लिया अब सोच समझ कर आपके सामने जो दीवार है इधर जो मेरे पीछे है, करम की बॉल को आप अपने फेंकिए अभी फेंको सोच समझ के फेंकना अच्छे से फेंक दिया ये जो कर्म है ना मेरी सोच मेरा बोल मेरा व्यवहार ये कर्म होता है सिर्फ बोल और व्यवहार कर्म नहीं होता सोच भाव भावना इंटेंशन वो भी कर्म होता है फेंक दिया बॉल अब जो बॉल फेंकी है वो फिर कहाँ जाएगी वो कहाँ जाएगी वापस आएगी मेरा सोच बोल व्यवहार कर्म है और जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आती हैं जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं जो मेरे शरीर का स्वास्थ्य रहता है जो मेरा काम कारोबार रहता है वो वो बॉल है जो वापस आती है एक बार फिर से फेंकें मेरा सोच बोल व्यवहार कर्म है परिस्थिति व्यक्ति शरीर काम कारोबार ये बॉल कहाँ से आ रही है वापस आ रही है ये मेरा क्या है ये मेरा क्या है ये मेरा भाग्य है फिर से फेंको ये मेरा कर्म है ये मेरा भाग्य है अब जब भी कोई चीज़ आ रही है तो हमारा माइंड क्या कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो तुरंत उसको आंसर दो जो बॉल वापस आ रही है मेरा माइंड कह रहा है वो बॉल वापस क्यों आ रही है एक्चुअली हम वापस भी नहीं बोलते ना हम बोलते हैं वो बॉल मेरे पास आ क्यों रही है ऐसी वाली तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है वो ही बॉल वापस आएगी बोलिए कंप्लीट कीजिए अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि कभी मन प्रश्न नहीं उठाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जो आपके साथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है बहुत स्वस्थ शरीर मिला अच्छा परिवार मिला है इतने सात्विक शहर में रहते हैं भारत देश में रहते हैं घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है वो कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं मिला है वो बहुत अच्छे अच्छे बॉल वाली करम फेंक कराए आए आए इसलिए इतना सब कुछ अच्छा मिला है अब जब इतने सारे अच्छे कर्मों की हम बॉल फेंक रहे थे तो किसी ना किसी जन्म में हमने एक गलत भी फेंक दिया था तो वो भी तो वापस आएगा ना तो जब अच्छे वाले वापस आते हैं हम नहीं कहते मेरे को सब कुछ इतना अच्छा क्यों मिल रहा है क्वेश्चन करेंगे नहीं इसी तरह जब कोई गलत वाली बॉल वापस आ रही है तब भी नहीं बोलना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बोल रहे हैं तो फिर जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे क्यों आ रही है वो बॉल वापस हाथ रखिए ऐसे ऐसे रखना है इस हाथ को ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पास कुछ भी करिए हाथ क्योंकि हाथ करेंगे ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे पास ऐसे क्यों आ रहा है क्योंकि क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजा था ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं कर लो इसको एक दो बार ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं अब उस व्यक्ति को देखो जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है ऐसे आ रहा है वो ऐसे आ रहा है ना व्यक्ति सामने से आएगा उसका व्यवहार ऐसे आ नहीं सकता जब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था लेकिन मैंने तो उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया वो सच है लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया इस शरीर में आने के बाद लेकिन हम पहले मिल चुके हैं क्या आपको याद है आपने पहले किसी के साथ कुछ किया था कि नहीं किसी को याद रहेगा नहीं तो इसको समझ लीजिए और फिर चलना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई अगर मेरे साथ आज गलत कर भी रहा है वो मेरी वही वाली गेंद है जो मैं पहले फेंक कर आई हो अब पिछली बार फेंक दी फेंक दी लेकिन उसको देखकर अब मैं अगर परेशान होंगी दुखी होंगी नाराज़ होंगी चिड़ूँगी तो मेरी अब नई वाली बॉल भी कौन सी हो जाएगी ये वाला आप आंसर दो। फिर मेरी नई वाली गेंद मेरा अभी का कर्मा भी कैसे हो जाएगा वो भी फिर से नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने पहले नेगेटिव भेजा था अब मुझे कौन सा वाला भेजना है अच्छे से बोलिए पक्का भैया कहाँ गए हमारे अब हमें कौन सा वाला भेजना है किसी और पर एहसान नहीं मुश्किल या आसान मुश्किल या आसान अब इस बार पॉजिटिव भेजना अच्छे से आसान बोलो सारा दिन भेजने आज मुश्किल या आसान बहुत आसान बहुत आसान जब याद रहेगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं बहुत आसान जब लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं तो मन कहता है क्यों मैं इतनी मेहनत करूं उसके लिए क्यों मैं करूं हर क्षण समय के तीनों काल साथ साथ काम कर रहे हैं फिर से हाथ रखो तीनों काल देखो जो स...